खबर चमोली से। वन महकमे में कर रहे लोगों को जागरूक। इन दिनों पश्चिमी विंडर रेंज थराली एवं दीवाल बद्रीनाथ वन प्रभाग के तत्वावधान में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत गांव-गांव और स्कूलों में जाकर जन जागरूकता के लिए गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है, जिनमें स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को वन वन्य जीव जंतुओं और जैव विविधताओं को आग से सुरक्षित रखने की अपील की जा रही है। वन क्षेत्र अधिकारी हरीश थपलियाल ने बताया कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक पूरे रेंज क्षेत्र में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में स्कूली छात्र छात्राओं को वन संरक्षण, वन्य जीव एवं जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जन जागरूकता अभियान से आने वाले फायर सीजन में शरारती तत्वों द्वारा वनों को लगाई जाने वाली आग से होने वाले वन्य जीव जंतु आदि के साथ ही मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक होते हैं और वनों को बचाने का संकल्प भी इस कार्यक्रम में लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, फायर सीजन से वनों को लगाई जाने वाली आग से न सिर्फ वनों और वन्य जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता, बल्कि गांवों में बुजुर्गों, बीमारी से ग्रसित लोगों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को धुएं के प्रदूषण से गंभीर खतरे बन सकते हैं, जिसको हम सबकी जिम्मेदारी और वनों के प्रति सहानुभूति से वनों को सुरक्षित रखकर सभी को खुशहाल रखा जा सकता है। उन्होंने अपील की है कि मानव जीवन को बेहतर और रोग मुक्त करने के लिए वनों को आग से सुरक्षित रखें। इसी क्रम में आज जिले के अति दूरस्थ गांव बाढ़ से पश्चिमी पिंडर रेंज के वन कर्मियों ने प्राथमिक विद्यालय भिंडिंग में स्कूल बच्चों और गांव वासियों के साथ वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत वनों को आग से सुरक्षित रखने का आह्वान करते हुए जागरूक किया। फॉरेस्ट विभाग से आए थे और इन लोगों ने बताया कि कैसे हमें अपना जो प्राकृतिक संसाधन है, जो पेड़ हैं, जंगल हैं, इनको किस तरीके से हमें बचाना है और आग नहीं लगने देनी है। तो कुछ 3 महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई कि हमें जो है जंगल में आग लगने से कैसे बचाना है। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे जंगल में आग लगे, जैसे कि बीड़ी पीना या आग जलाना। बीड़ी पीना तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। और आप अपने मम्मी पापा से घर जाके ये बोलना है, इन्होंने बताया बच्चों को, कि जो है जंगल में जब जाएँ तो आग के इरादे से ना जाएँ, अपना जो खेती वेती करना है वो करें, बस ये है कि आग का उपयोग ना करें। इससे क्या होता है कि जंगल जलेगा, पेड़ जलेगा, तो नुकसान हम ही को होना है। तो हमें जो है अपने प्राकृतिक संसाधन को बचाना है। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को ये बात बताई। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। आज वन विभाग के द्वारा यहाँ पर एक गोष्ठी की गई, जिसमें जो है कि वन अग्नि सप्ताह मनाया गया। ये आज सारे वन बीड़ अधिकारी जो है तोपाल जी और डुंगरियाल जी और गोपाल सिंह जी जो है यहाँ पर आए और प्राथमिक विद्यालय भिड़िंग के बच्चों को इन्होंने प्रेरित किया कि आग से कैसे जंगल को बचाया जाता है। और एक अच्छा संदेश है, और इसी तरह से अगर ये संदेश देते हैं विद्यालय में जा जा करके, तो एक हमारे बच्चों को ऐसी अच्छी प्रेरणा मिलेगी और गाँव वालों को अच्छा संदेश मिलेगा। बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत मध्य पिंडर और पूर्वी पिंडर रेंज दोनों में ही, और इनफैक्ट पूरे ही बद्रीनाथ वन प्रभाग में अलग अलग जगहों पर हमारे द्वारा ये जो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक है, ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। पूरा उत्तराखंड सरकार के वन विभाग द्वारा इसे मनाया जाता है। इसमें विभिन्न जगहों पर अलग अलग जगह गोष्ठियाँ की जा रही हैं, बालकों को, बच्चों को निबंध प्रतियोगिता और कला प्रतियोगिता के द्वारा या ये भाषण प्रतियोगिता के द्वारा लोगों को बीच में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे वाण में पूरी पिंडर के अंतर्गत हम लोगों ने प्रतियोगिता करवाई है और बच्चों को जागरूक किया है, और इसमें जो साथ के लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।